नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, जो इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स हैं, इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स हैं, इम्पोर्टेंट जो आंदोलन हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो अधिनियम हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो स्थापना हुई हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जीके का ये एक ऐसा टॉपिक है, यहाँ से एक नंबर आपका पक्का होता है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैंने अभी 25+ सेट्स को लिया कम से कम, जिसमें DRDO के सेट्स थे, रेलवे NTPC और ग्रुप डी ALP के भी टेस्ट उसमें से क्या थे, आपके पेपर में से देखे मैंने, सेट देखा, SSC के सभी सेट्स को मैंने देखा। यहाँ से एक क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिला, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए एक वीडियो ले आया जाए। तो एक नंबर आपको पक्का करना है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सअप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ओके, तो इम्पोर्टेंट आंदोलन मूवमेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको एक नंबर पक्का करना है तो वीडियो को देख लीजिएगा। ओके, आपको बता दूं हमारे चैनल पर क्लासेस चल रही हैं, जो कि हिस्ट्री की, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, जीके के सुपर 25 क्वेश्चंस का एक मॉक टेस्ट चल रहा है, जीके के सुपर 1000 क्वेश्चंस की एक क्लास चल रही है और जनरल साइंस के 25 क्वेश्चंस की क्लास चल रही है। यानी कि एक दिन में 200+ क्वेश्चंस आपको करवाए जाते हैं, जिनकी PDF आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करवा दी जाती है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, तो ये क्लासेस हमारी चल रही है, उन क्लासेस का भी आनंद लीजिए और इस क्लास का भी आनंद लीजिए। चलिए, तो समय न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको देख रहा है राष्ट्रीय आंदोलनों की महत्वपूर्ण घटना। देखिए, 1900 से स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले 1904 की बात आती थी। देखिए, 1885 की बात आती है, तो 1885 की बात में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी और ये की थी AO Hume ने की थी। उसके बाद जो स्थापनाएँ हैं, आंदोलन हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। 1904 में क्या हुआ था, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट लाया गया, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट लाया गया, एक तरीके से भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया 1904 में, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता को बहुत अच्छा किया जाए, शिक्षा की गुणवत्ता को अच्छे से अच्छा किया जाए, इसके लिए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लाया गया। और अंग्रेज चाहते थे कि जो भारतीय हैं वो इंग्लिश सीखें, क्योंकि उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी इंग्लिश, तो इसलिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। ओके, तो 1904 में क्या हुआ, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। 1905 में क्या होता है, बंगाल का विभाजन होता है, क्या होता है, बंगाल का विभाजन होता है 1905 ईस्वी में। 1906 में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, जो मुस्लिम लीग है, मैंने आपको बताया इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, उसके बाद मुस्लिमों को अलग करने के लिए अंग्रेज़ों ने चाल चली और अब अंग्रेज़ों ने क्या किया, मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। पहले INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करते हैं, फिर ये मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं। इनके लिए जो अंग्रेज़ थे उनका मानना था कि ये हमें, मतलब हमारी सहायता करेंगे, लेकिन बाद में जो मुस्लिम लीग है और इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इन दोनों ने ही मिलकर काफ़ी अच्छा काम किया और अंग्रेज़ों को भारत से खदेड़ने का भी काम किया। तो इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी, जो मुस्लिम लीग थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। ओके, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी संस्थाएँ दोनों। नेक्स्ट है अपना 1907। 1907 में सूरत का अधिवेशन हुआ, कांग्रेस में फूट डली, क्या डली, फूट डली, और कांग्रेस दो दलों में बट गई, एक नरम दल बन गया और एक बन गया गरम दल, क्या बन गया, गरम दल, एक नरम दल बन गया और एक नरम दल बन गया। फिर 1916 में जाके वापस ये मिल भी जाते हैं, काफ़ी ऐतिहासिक होता है ये। ओके, तो इम्पोर्टेंट है, जो सूरत अधिवेशन है, कांग्रेस में फूट डलती है, नरम दल गरम दल में कांग्रेस डलती पड़ जाती है। देखिए, जो गरम दल के नेता थे उनको याद करने की ट्रिक है, लाल बाल पाल, क्या है, लाल बाल पाल, तो लाल से, बाल से और पाल से क्या है, देखिए चलिए, तो उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे भी कभी टाइम मिलेगा तो। तो नेक्स्ट है अपना मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म होता है 1909 में। 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, मॉर्ले मिंटो सुधार आता है। देखिए, मॉर्ले और जो मिंटो हैं ये दोनों अलग अलग थे, लेकिन जब ये रिफॉर्म इनके द्वारा लाया गया तो इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा गया। नेक्स्ट है अपना 1911 में ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार, जो ब्रिटिश सम्राट थे उन्होंने दिल्ली दरबार लगाया था, कब, 1911 ईस्वी में, तो ये भी पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट है दोस्तों अपना 1916 होम रूल लीग का निर्माण किया गया 1916 में। और 1915 में कौन आए थे? गांधी जी आए थे, महात्मा गांधी जी आए थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी आए थे। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से आए थे। उसके बाद होम रूल लीग का निर्माण हुआ। क्या हुआ? होम रूल लीग का निर्माण 1916 में। मुस्लिम लीग का कांग्रेस समझौता हुआ और लखनऊ पैक्ट लाया गया। मुस्लिम लीग का कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में एक पैक्ट होता है, एक समझौता होता है, जिसे लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है। कब होता है? 1916 में। 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन होता है। देखिए, महात्मा गांधी के कुल मिलाकर 6 आंदोलन थे जो बड़े आंदोलनों के रूप में जाने जाते हैं, जिनमें से 3 छोटू आंदोलन थे और 3 बड़ू आंदोलन थे, एक तरीके से ऐसे बोल सकते हो। जो चंपारण का आंदोलन था, चंपारण का आंदोलन था, अहमदाबाद मिल का जो आंदोलन था, अहमदाबाद मिल का, और एक खेड़ा का आंदोलन था। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों आंदोलन। तो चंपारण का आंदोलन 1917 में होता है, खेड़ा और अहमदाबाद मिल ये दोनों मिलके 1918 ईस्वी में होते हैं। तो चंपारण का 1917 में, अहमदाबाद मिल और खेड़ा का आंदोलन होता है 1918 ईस्वी में। 3 बड़े आंदोलन होते हैं, 1920 में एक आंदोलन होता है, 1930 में एक आंदोलन होता है और 1942 में एक आंदोलन होता है। तो 3 आंदोलन यहाँ होते हैं, जिसमें से सविनय अभी पढ़ते हैं उसके बारे में भी, ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अपना रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट 1919 में लाया गया। कब लाया गया था? रॉलेट एक्ट 1919 में। और 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो जनरल डायर थे उस समय, जनरल डायर थे, इन्होंने ही जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश दिया था। और इनको बाद में ऊधम सिंह ने मार भी दिया था इस अपराध के लिए, ओके, काफ़ी गुस्से में। नेक्स्ट है 1920 में खिलाफत आंदोलन होता है, 1920 में असहयोग आंदोलन होता है, 1920 में असहयोग आंदोलन होता है, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन होते हैं। तो 3 बड़ू आंदोलन गांधी जी के द्वारा यहाँ देखने को मिलते हैं। 1922 में चोरी चोरा कांड होता है, चोरी चोरा कांड में जो रेल काटने की घटना है वो नज़र आती है। नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों 1927 में साइमन कमीशन की भारत में नियुक्ति होती है और ये मुंबई में आते हैं। और 1928 में साइमन कमीशन भारत का आगमन होता है और 1928 में ही साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे भी लगाए जाते हैं भारतीयों के द्वारा। नेक्स्ट है 1929 में भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट किया गया। कब किया गया था? 1929 में किया गया था, केंद्रीय असेंबली में इन्होंने बम विस्फोट किया था। 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। देखिए, 1906 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1906 ईस्वी में, तो यहाँ पर स्वराज्य की मांग की गई थी। किसकी? स्वराज्य की मांग की गई थी। लेकिन 1929 ईस्वी में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और ये रावी नदी के किनारे पर हुआ था, हड़प्पा में। कहाँ? हड़प्पा नामक जगह जो पाकिस्तान में है इस समय, वहां पर रावी नदी के किनारे 1929 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की जाती है। नेक्स्ट है अपना 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में। देखिए, जो गोलमेज सम्मेलन थे, तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलनों में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर ने भाग लिया था। दूसरे वाले गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भी भाग लेते हैं, ओके। नेक्स्ट है 1932 में सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली की क्या किया गया था? सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली बनाई गई, ओके। 1932 में पूना एक्ट, पूना समझौता भी किया जाता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन किया जाता है। 1942 में क्रिप्स मिशन का आगमन होता है भारत में। और 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है? 1939 में आज़ाद हिंद फौज, जो आज़ाद हिंद फौज है इसकी स्थापना कर दी जाती है। कब की जाती है? 1943 ईस्वी में, ओके। 1940 में कैबिनेट मिशन का आगमन होता है और कैबिनेट मिशन बनाया जाता है, जिसमें 3 लोग इम्पोर्टेंट थे। 3 लोग थे, एक तो लॉरेंस पेंथिक इसमें थे, काफ़ी मेरे को दो और नाम याद नहीं आ रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग से आउट हो रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अगर आपको पता है तो, ओके। तो 1940 में कैबिनेट मिशन का आगमन होता है। 1940 में भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन भी होता है, जो भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यू
कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का इलेक्शन निर्वाचन होता है 1946 ईस्वी में और संविधान सभा का निर्माण किया जाता है। तो दोस्तों 10 मिनट का ये वीडियो है, 10 मिनट का मात्र। 10 मिनट के वीडियो के अंदर मैंने आपको कम से कम 40+ एस्टर आंदोलनों के बारे में, समझौतों के बारे में, मिशनों के बारे में बता दिया। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से पक्का होता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अब ये डिपेंड आप पर करता है, आप अच्छे से अपने नोट्स बना रहे हैं तो आप इनको नोट्स में लिखिएगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मॉक टेस्ट की क्लास, जनरल साइंस की क्लास, जीके के सुपर 1000 क्वेश्चंस की क्लास, एक दो दिन में मैथ और रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो रही है। तो इन क्लासेस का आनंद लेने के लिए भी आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।